नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का विषय हमने जो रखा है वह है इंसेक्ट या हानिकारक पेस्ट जो होते हैं उनको फील्ड में खेत में कैसे कंट्रोल करें और हम सभी ग्रेजुएट कैसे एक कम खर्चे में खेती को बढ़ाएं और कुछ स्प्रे बचाएं। वर्तमान स्वरूप में फार्मर्स हमारे 100% पेस्टिसाइड्स बैग केमिकल यूज़ करते हैं और सबसे ज़्यादा फार्मर्स को ये नहीं पता है कि हमें पेस्टिसाइड्स का उपयोग कब करना है। दो चीज़ें हैं, तो ये पता नहीं है कि कब हमें यूज़ करना है कब हमें नहीं करना है, वो कैसे पेस्ट का सर्वेलेंस करना है, मतलब पेस्ट कैसे खेत में आते हैं फील्ड में आते हैं और वो ये इनकी जो साइकिल है वो कैसे पूरी होती है, ये हमें किसानों को नहीं पता है। बहुत सारे किसानों को पता होगा, बहुत सारों को नहीं पता है, लेकिन हम एग्री ग्रेजुएट्स जो है वह पेस्ट के निदान के लिए कुछ मुख्य मुख्य बातें हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम फील्ड में जा रहे हो या हम किसी किसान को सजेस्ट कर रहे हो तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, वो है इंसेक्ट को लाइफ साइकिल को ध्यान में रखना चाहिए। आपको पता है कि किसी भी क्रॉप में दो तरह के पेस्ट मेरे प्रैक्टिकली मिलते हैं, सबसे ज़्यादा सकिंग पेस्ट मिलते हैं जिसमें एफिड जेसिड माहू ये तरह आते हैं और दूसरे मिलते हैं अपने लेपिडिप्टोरा ऑर्डर के इंसेक्ट जो बाइटिंग एंड चेविटिंग के माउथ पार्ट्स होते हैं, मतलब पत्तियों को कट करते हैं। तो इनकी लाइफ साइकिल को हमें पढ़कर स्टडी करना चाहिए कि ये पेस्ट कब आता है या कब नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसी भी पेस्ट में मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, मतलब कंप्लीट और इनकम्प्लीट दो तरह का मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। मान लीजिए हम सकिंग पेस्ट की बात करें तो हेमिप्टेरा ऑर्डर में आते हैं, तो इनमें जो है एग निम्फ और एडल्ट तीन की कहानी होती है। और अगर हम बात करते हैं लेपिडोप्टेरा ऑर्डर नक्टुडी फैमिली के जो जितने भी हमारे इंसेक्ट हैं लाइक कैटरपिलर थे, उनमें चार स्टेज होती है, एग होता है और इसके बाद हमारा लार्वा या कैटरपिलर होता है, इसके बाद जो हमारा प्यूपा होता है एडल्ट होता है। तो ये दो लाइफ साइकिल को हमें मैनेज करना है। देखिए, हमने फसल लगा दी, फसल लगाने के पहले भी बहुत सारे ऐसी क्रियाएं होती है जिससे हम पेस्ट को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा पहला सबसे महत्वपूर्ण कार्य है फसल कटने के बाद, यहाँ से शुरुआत होती है। तो फसल कटने के बाद हमें गहरी जुताई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गहरी जुताई बहुत आवश्यक हो जाती है, क्योंकि इनके जितने भी इंसेक्ट के प्यूपाज होते हैं जब ये डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं तो वहाँ पर रहते हैं, तो हमें गहरी जुताई का ध्यान रखना चाहिए, गर्मी में ज़रूर करवाएं। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि जब हमने फसल लगाई और रेनफॉल जब होती है, बरसात जब होती है, तब हमें एक लाइट ट्रैप का उपयोग भी करना है खेत में, या कहीं भी ओरली हम इंसेक्ट को देख सकते हैं, थोड़ी सी पहचान हमें होना चाहिए। तो उस लाइट ट्रैप में हम इंसेक्ट को देखें, जब हमारी फसल छोटी होती है तो इंसेक्ट भी छोटे ही होते हैं, तो लाइट ट्रैप में हम उस पर्टिकुलर इंसेक्ट को देख सकते हैं कि वो सकिंग पेस्ट है, वाइट फ्लाई है, या वो एफिड है, जेसिड है, या और बात करें तो मोथ दिख रहे हैं क्या, तो इनको हम एडल्ट दिख रहे हैं क्या, इनको हम देख के बता सकते हैं कि ये अब हमारी फील्ड में मेटिंग करेंगे और मेटिंग करने के बाद एग देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें स्प्रे की सोचना चाहिए। हम स्प्रे कब करते हैं, जब EIL स्टेज पर चले जाते हैं, मतलब इकोनॉमिक इंजरी लेबर खेत में हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा पेस्ट बढ़ जाते हैं, तब स्प्रे करते हैं। लेकिन स्प्रे की जो सही स्थिति है वो है ETL, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पर भी हमें स्प्रे करना चाहिए, मतलब कि हमें स्प्रे तब करना है जब हम खेत में पेस्ट सर्वेलेंस करते हैं, पेस्ट सर्वे करते हैं, तब एक से दो इंसेक्ट हमें पर पौधा दिखे तो हम स्प्रे करते हैं नॉर्मली। और नॉर्मली स्प्रे में भी क्या रखें, सबसे पहले अगर नीम बेस्ड प्रोडक्ट बनाते हैं हम, नीम पे आधार पे, गोमूत्र के आधार पे, क्योंकि जब इंसेक्ट कम है तो उस स्थिति में हम इस तरह के नुस्खे अपनाएं जिससे कि क्या होगा कि हमारी फसल का खर्चा कम होगा। तो पेस्टिसाइड्स का उपयोग हमें करना है जब EIL पर पहुँच जाए तब, लेकिन हम इससे अवेयर नहीं है, हमें इसका अवेयरनेस आवश्यक होता है कि ETL और EIL का हमें भी नहीं पता है कि कौन से पेस्ट की क्या ETL है क्या EIL है। इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल सीधा मतलब है यहाँ पर कंट्रोल मेजर्स अपनाना चाहिए, जैसे जितने भी सकिंग पेस्ट होता है तो पर पौधा एक से दो, जैसे वाइट फ्लाई दिखे, जेसिड दिखे, तो हमें नॉर्मली स्प्रे कर देना चाहिए एकदम सस्ते इंसेक्टिसाइड्स का या नीम ऑयल का या गौमूत्र का। लेकिन जब इनकी क्वांटिटी बढ़ गए, हम लेट हो गए, तो उस स्थिति में हम मार्केट से लाके प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइट ट्रैप हम पढ़ते हैं हम इसको ध्यान नहीं देते, लेकिन लाइट ट्रैप चूँकि पेस्ट सर्वेलेंस के लिए है, खेत में रात में पेस्ट को देखते हैं हम कि
ये पेस्ट आ रहा है, इस स्थिति में एडल्ट है, मतलब आगे ये क्या करेंगे, मेटिंग करेंगे, और मेटिंग करने के बाद 200 से 300 अंडे हमारी पत्तियों पर देंगे या मृदा में देंगे। तो हमें क्या करना है, अंडे दिए तो अंडा फोड़ने वाला इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना है, और यदि हमारा थोड़ा सा पौधा बड़ा हो रहा है तो हमें छोटे मोटे स्प्रेस का यूज़ करना है। तो इस तरह से हमें पेस्टिसाइड्स का और बायो पेस्टिसाइड्स का, नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स का उपयोग करना भी आना चाहिए, और हमें साथ में पेस्ट सर्विलेंस भी पता होना चाहिए। डायरेक्ट किसानों की तरह नहीं जाना है कि बस गए और स्प्रे कर दिया और नहीं हुआ तो और बड़ी दवा ले आए, और नहीं हुआ तो और महंगी दवा ले आए। इससे हम जाएंगे तो हमारी फसलों का जो फसलों का खर्चा बढ़ेगा, और खर्चा बढ़ेगा तो हम कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे पेस्ट कंट्रोल के लिए। तो पेस्ट कंट्रोल के लिए मैंने तीन चार बात बताई है कि हमें लाइफ साइकिल को ध्यान में रखना है, अंडा लार्वा प्यूपा वयस्कों को ध्यान में रखना है, साथ में हमें ध्यान रखना है गहरी जुताई का, लाइट प्रपंज का, है ना, फेरोमोन ट्रैप का, साथ में येलो स्टिकी ट्रैप का वाइट फ्लाइज के लिए। तो इस तरह से आप पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो समझ में आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।